हेलो फ्रेंड्स, आज हमने आपके लिए रिजोल्यूशन का और इसके अलावा कुछ मोस्ट क्वेश्चन छोड़ लिए हैं दोनों बुक्स के, मिक्स करके आप जैसे भी आपको समय मिले जल्दी से इन्हें पढ़ डालिए। यह है द इम्प एंड द पीजांट। व्हाट प्लान डिड द इम्प थिंक टू मेक अप फॉर हिज मिस्टेक। अपनी गलती को सुधारने के लिए छोटे शैतान ने क्या योजना बनाई। आंसर है द इम्प चेंज हिमसेल्फ इंटू अ वर्किंग मैन एंड वेंट टू वर्क विद द पुअर पीजेंट। ही एडवाइज हिम टू सो कॉर्न इन अ लो लाइंग डैम्प प्लेस। इट वॉज अ ड्राई ईयर सो ही गोट गुड कॉर्न। इन द सेकेंड ईयर ही एडवाइज हिम टू सो कॉर्न ऑन द हिल। इट हैपन टू बी अ वेट समर। द पीजेंट अगेन गोट गुड क्रॉप। ही एडवाइज हिम टू मैक एंड ड्रिंक वोदका फ्रॉम द कॉर्न। द पीजेंट बिकेम लाइक एनिमल एंड दस द इम्प सक्सीडेड इन हिज प्लान। ये हमने इसका इम्प एंड द पीजांट का आपके आंसर बनाया है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हमने कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए हैं, जैसे हमने लिया है द टेल ऑफ द बिश्नोईज में से। हाउ डिड जम्बाजीज टीचिंग्स अफेक्ट द विलेजर्स। जम्बाजी की शिक्षाओं का गांव वालों पर क्या प्रभाव पड़ा। आंसर है जम्बाजीज टीचिंग्स प्रॉम्प्टेड द इनहेबिटेंट्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस टू रिक्लोथ द अर्थ विद इट्स ग्रीन कवर। दे प्रिजर्व द ट्रीज अराउंड दियर विलेजेज। दे प्रोटेक्टेड ब्लैक बक्स चिंकारा पीफॉल एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स। ग्रेजुअली दियर टेरिटरी कवर्ड बाय द ट्रीज। ये इसका हो गया। द लेडी और द टाइगर में से लिया है अगला। डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ द प्रिंसेज। द प्रिंसेज वॉज हॉट ब्लडेड एंड सेमी बारबरिक लाइक हर फादर। सी लव्ड अ यंग मैन एंड लव्ड हिम सो मच डेट सी वॉज इन अ ग्रेट मेंटल कन्फ्लिक्ट बिटवीन हर विश एंड हर जेलेसी। सी फाउंड आउट द सीक्रेट ऑफ द डोर्स फॉर डेट डे। दस सी प्रूव्ड हर पावर इन्फ्लुएंस एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर। अगला हमने लिया है अ मेन्स ट्यूशन में से। इसमें से 2 साल से लगातार 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। आंसर है ये कॉमन वाला, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपके लिए मैंने एक कॉमन आंसर बना दिया है। द ओल्ड मैन हु ट्रीटेड द थीप जनरसली ही गेव हिम फूड एंड अ बैग फुल ऑफ कॉइन्स इंस्टीड ऑफ गिविंग हिम एनी पनिशमेंट। द जेंटलमैन्स काइंडनेस टच्ड द हार्ट एंड माइंड ऑफ द थीप हु बिकेम अ रिफॉर्म्ड पर्सन एंड गेव अ प्रेशियस पर्ल वर्थ अ ग्रेट डील ऑफ मनी। दस द जेंटलमैन सेड दैट ही हैड बीन द मीन्स ऑफ पासिंग द काइंडनेस ही वॉज हिज ट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने द लेडी और द टाइगर में से लिया है। वाई डिड द किंग चूज टू पुट द प्रिंसेस लवर ऑन ट्रायल इन द अरेना। यानी राजा ने राजकुमारी के प्रेमी को अरेना के मुकदमे में क्यों आजमाना चाहा। उसने उस मंच पर क्यों ले गया। द किंग फाउंड आउट अबाउट द लव ऑफ द प्रिंसेज एंड द यंग मैन। राजा को उस युवा और राजकुमारी के बीच प्रेम का पता लग गया था। सो ही चोज द अरेना ट्रायल फॉर द प्रिंसेज लवर टू रिमूव हिम फ्रॉम द वे परमानेंटली। इसलिए उसने उस अरेना ट्रायल का इस्तेमाल किया ताकि उसको रास्ते से परमानेंटली हटा सके। द किंग न्यू राजा जानता था इफ द टाइगर एट हिम एवरी थिंग वॉज फिनिश्ड। अगर बाघ उसे खा जाता है तो भी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। एंड इफ द लेडी केम आउट ऑफ द डोर और यदि महिला बाहर आती है देन ही वुड लीव द प्रिंसेस फॉर एवर। तब भी वो राजकुमारी को हमेशा के लिए खो देगा। कुल मिलाकर दोनों ही तरीके से वो यंग मैन राजकुमारी को खो देगा। ऐसा सोच कर ही राजा ने राजकुमारी के प्रेमी के लिए ट्रायल लगाया था अरेना में। फ्रेंड्स, ये हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का फिर कलेक्शन किया है। आप इन्हें एक बार जरूर पढ़ जाएं, देख जाएं। थैंक यू।